subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest update. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ फैसल तांजी सोपे कुकिंग शो में खरे से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तेरे खड़ी इंदा काफ़ी सारी फरमाइशू तुम पूरी क्यों फिश जब भी वीक वीक क्या हर वीक में ब दफ़ा फिश भी टाइम पे हाँ भी अज मज़ेदार एक रेसिपी टाइप पे एक टाइम पे हलवो सूजी ए बेसन जो हलवो जो सियारे में तमाम बेहतरीन है मज़ेदार ठंडो उन सर कद्दू जो अस खाई उनकी सब्जी ठंडी है भाजी ठंडी है डिफरेंट किस्म ठाना है तंदूरी कद्दू ठाईंदी तमाम मज़ेदार रेसिपी सुबह 12 बजे रिपीट हल्दी स्क्रीन पर नंबर लिखो काफ़ी फ्रेंड खेल करोता एनएक्स अस एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड पीटर हैंड मिक्सर तुम मार्केट में अवेलेबल है वही सो तो भी तमू यूज़ कह माइक्रोवेव ओवन है बेकिंग ओवन एनएक्स जो मिलन है बेकिंग जो शौक है तो वो भी वही सोता अज की रेसिपी तमाम मज़ेदार है। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पिछली रेसिपीज जो बनाते आए फिश बनाई काफ़ी सारी सर्दियों के हिसाब से फिश जो बनाता आ रहा हूँ और भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे इस तरह फिश की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। तो आज हम बना रहे हैं हलवा सर्दी के हिसाब से जैसे मौसम चेंज हो रहा है सूजी और बेसन का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है ये आप देखिएगा किस तरह बनेगा। और उसके साथ हम कद्दू बना रहे हैं कद्दू को हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं तंदूरी कद्दू तंदूरी मसाले के साथ कद्दू बनेगा बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनेगी। कल 12 बजे रिपीट चलेगा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कोई भी फरमाइश करनी कुछ पूछना पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करता हूँ। किचन में चलेंगे रेसिपी करेंगे स्टार्ट। कद्दू जो है वो हम लेंगे गोल वाला ले लें या लंबा वाला ले लें देखो 3 पाव जितने वजन में काफ़ी होता है 1 किलो होता है तो 1 किलो भी कर सकते हैं वो क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसको मैंने पानी में डिप किया हुआ है क्योंकि पानी में डिप करने से क्या होता है कि कद्दू जब हम कटिंग करते हैं लौकी की या कद्दू की तो वो काला पड़ जाता है ठीक है। पानी में डिप करके रखेंगे तो ये काला नहीं होगा इस तरह इसका कलर बिल्कुल बैलेंस रहेगा ठीक है। अब ये कटिंग किया हुआ है सबसे पहले हम कद्दू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा लौकी या कद्दू आपने लेना है उसको कटिंग करना है छील के आपने इसको पानी में डिप करना है इससे क्या होता है कि ये काला नहीं पड़ता वरना अगर हम बाद में कटिंग करके बाहर रखते हैं तो ये काला पड़ जाता है इसका कलर चेंज हो जाता है ठीक है। लौकी या कद्दू ट्रे पर खड़ा उन जो खले लाई हैं जहाँ पीसिस करे छो जी बारीक नॉर्मल कटिंग कहना आयूँ उनका पता है पानी में पिसाए रख ताकि कारो न थिए उन बाद अस कढ़ाई खड़ासी या पतीलो खी वो जो अवेलेबल है ठीक है। कढ़ाई या पतीला लेंगे इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने ऑयल डालना है तकरीबन 6 टेबल स्पून ठीक है 6 खाने चम्मच इनमें ऑयल विंदो। ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे प्याज 1 दरमियाने साइज़ का प्याज ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ है ठीक है ऑमलेट की तरह कटिंग किया हुआ है 1 दरमियाने साइज़ का प्याज 1 मीडियम साइज़ जो बसर है दरमियाने साइज़ जो इनके बारीक कटिंग जी असं बेदे में विझण ला कंदा आयूं उन तरीके से असं बसर के कटिंग कंदासी ठीक है। ये हो गया जब प्याज हम यहाँ पे प्याज कटिंग करेंगे तो इसको हम ऑयल गरम करके इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है ठीक है। इसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे जब ये फ्राई होने लगेगा। अच्छा तंदूरी कद्दू के लिए मसाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है तंदूरी मसाला मार्केट में ब्रांड का मिलता है हर ब्रांड का मिल जाता है। साशे ले लें साशे में 3 टेबल स्पून जितना होता है 3 to 4 टेबल स्पून के करीब होता है वो पूरा साशे इसमें यूज़ करेंगे ठीक है। तंदूरी मसालों इसमें नमक वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं तंदूरी मसाला हम लेंगे मार्केट में अवेलेबल है साशे मिलता है आप वो ले लें इसमें से 3 खाने के चम्मच हम तंदूरी मसाला ऐड करेंगे इसमें और कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच ठीक है। ये है तंदूरी मसाला 3 खाने के चम्मच ये है 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिलती तो आप उसके बग़ैर भी बना सकते हैं लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत खूबसूरत आता है। प्याज यहाँ पे भुनेंगे कोई और हम मसाला नहीं डाल रहे तंदूरी मसाला में हर मसाला ऐड होता है नमक भी इसमें ऐड होता है और ये बड़े मज़े के कद्दू बनता है लौकी। इस तरह आपने प्याज को लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है ठीक है प्याज लाइट गोल्डन फ्राई थी अच्छा से इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाने के चम्मच बसर गाढ़ो थे पियो
अना बसर के नरम कंदासी चंगो उन जो कलर चेंज थन लगे जब इसका कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। दो अदर टमाटर छोटे इनका पेस्ट बना लिया ठीक है। बर्न अंडा टमाटा दरमियानी साइज जूसर ब्लेंडर में विझी उन जो पेस्ट करे छो या उखरे मोरी में कुटन दो लेकिन जो पानी जो हों कुटे कुटे वजो ठीक है। चॉपर में भी कर सकते हैं जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। टमाटर को प्याज को भी थोड़ा और कलर आना चाहिए। प्याज का कच्चापन खत्म होगा अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। दो अदर टमाटर का पेस्ट बना लें अच्छा से इसको भूनेंगे। प्याज आजकल पानी वाला आ रहा है तो प्याज में टाइम लगता है ब्राउन होने में। आजकल के प्याज पता ही क्यों डिफरेंट से थोड़े आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट ठीक है। टमाटर जो पेस्ट ले चलो इसको पकाना है अच्छी तरह ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तेज़ आंच पे पका रहा हूँ ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला 3 खाने के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ठीक है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तो उसके बगैर भी बन जाएगा। कश्मीरी गाढ़ा मिर्च, देगी गाढ़ा मिर्च, चिकड़ी शोंडिया ठीक है। पेपरिका पाउडर भी मिले तो वो भी तो वही सब होता अच्छा। पेपरिका पाउडर डब्बे में भी मिलता है, कश्मीरी लाल मिर्च की तरह भी मिलता है। कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं और इसको देगी लाल मिर्च भी कहते हैं ठीक है। टमाटर का पानी खुश्क होने लगेगा फिर हम इसमें डाल देंगे 3 खाने के चम्मच, इसमें बबल्स बन रहे हैं, 6 खाने के चम्मच ऑयल गर्म किया, 6 से 8 खाने के चम्मच ठीक है। जो जरूरत ऑयल गर्म किया, सब्ज़ी में वैसे भी ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ किया करें। फिर आपने एक प्याज डाल देना ऑमलेट की तरह चॉप करके, प्याज लाइट सा गोल्डन कलर में आएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच, उसकी खुशबू आने लगेगी। भूनेंगे उसके बाद आपने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। 6 खाने के चम्मच ऑयल गर्म करो, ऑयल में बसर विधो, एक गंड ऑमलेट वगैरह कटिंग करे, बसर गाढ़ो थे लगनो तो उनमें तो अदरक थोड़ी पेस्ट विझो, अदरक थोड़ी पेस्ट की खुशबू अचान लगनी, गाढ़ो थो तो उनमें टमाटर जो पेस्ट विझंदी। हाँ इनमें विझासी 3 खाने के चम्मच तंदूरी मसालो, 3 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च जो हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी जिसे देगी लाल मिर्च भी कहते हैं ठीक है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाला भुनेगा 2 मिनट, जैसे इतना खूबसूरत इसका कलर आ गया। नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। लून वगैरह भिजने की ज़रूरत ना है। वेजिटेरियन फैमिली का बेहतरीन रेसिपी है। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगा इसमें क्योंकि मैंने 6 टेबल स्पून डाला था बस। और इस मसाले को थोड़ा भूनेंगे कश्मीरी लाल मिर्च के साथ। अब जो कद्दू हमने डिप करके रखा था पानी में इसको निकालेंगे, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे ठीक है। 3 पाव जितना ये है कद्दू, इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें, 2 मिनट इसको भूनें। फिर इसमें हम 1/2 कप पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे जब तक कद्दू गल जाएगा ठीक है। फिर ये ड्राई फॉर्म में आएगा। हरा धनिया डाल के इसको हमने डिश आउट कर देना है। स्मोक भी दे सकते हैं लेकिन वेजिटेबल है तो इसलिए मैं स्मोक नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कोयले की धुनी भी दे सकते हैं ठीक है। तमाम बेहतरीन जो कलर अचे पो उनके बटरमेंट भुनंदी ताकि इनके अंदर चंगो मसाले जो जायको अची वे ठीक है। अच्छी तरह इसको भुनेंगे 2 से 4 मिनट ताकि इसके अंदर मसाले का जायका आ जाए। फिर 1/2 कप हम इसमें पानी डाल के इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह इसको भूनें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है।
ऑयल अलग होने लगेगा। जब ऑयल सेपरेट होगा फिर हम इसमें पानी डालेंगे। जडे इनके भुनंदासी 3-4 मिनट ताईं उनका पोज जडे जे अंदर कद्दू जे अंदर जायको अचण खपे। भुनण जो मकसद छा आहे कि भाजी जे अंदर जायको अचण खपे, भाजी फिकी ना रहे, अंदर ताईं जे अंदर टेस्ट अची वञे। बचण खाईंदो आहे, भुनण खाईंदो आहे, ठीकु आहे। अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप। आधा कप पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। जब कद्दू को चेक करेंगे छुरी की नोक से गल जाएगा, फिर इसमें हरा धनिया डाल के आपने इसको डिश आउट कर देना। पौना कप कर दें पानी, बस काफ़ी है। देखो पानी इनमें भी तो इनके हल्की बाहि ते रखना सी। ब्रेक में कितना टाइम है, ब्रेक में कितना टाइम है, ताकि फिर मैं दूसरी रेसिपी पे रहूँगा ना। अच्छा, इसमें हमने हाफ कप पानी डाला है, हाफ से पौना कप पानी डाला है। इसको हल्की आंच पे रख दीजिएगा 20 मिनट के लिए। जब कद्दू गल जाएगा फिर हम इसमें हरा धनिया डाल के इसको डिश आउट करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई, कद्दू जी रेसिपी ठहे पई, तंदूरी कद्दू, हुनखे असां कवर करे अधु मुनो कप पाणी विझी हुनखे ढके रखी छॾियो आहे। 20 मिंट में जॾहिं करी वेंदो फोन जे अॻियां प्रोसेस ॿुधाईंदमि। हाणे हिते असां कढ़ाई हिकिड़ी ॿी रखी आहे, ठीकु आहे, एक कढ़ाई और रखी है। इसका पानी ड्राई हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे बनस्पति घी, ठीक है। बनस्पति घी कितना जाएगा इसमें, हाफ कप। हाफ कप में अंदाजे से डालो, आपने पूरा हाफ कप मेजरमेंट करके डालना है, ठीक है। अध कप बनस्पति घी या देसी घी ले लें, अगर देसी घी है तो आप देसी घी ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जैसे ही गर्म होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, फिर इसमें इलायची तोड़ के डालेंगे, 6-8 अदद इलायची। ठीक है, इलायचियाँ तोड़ के मैं इसमें डाल रहा हूँ। तोड़ के डालने से क्या होता है कि घी में खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची की। 6-8 अदद इलायची तोड़ के डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी, 1 कप सूजी, 1 कप बेसन, ठीक है। हल्की आंच करेंगे बिल्कुल, और इसको फिर भूनेंगे। 1 कप सूजी, 1 कप बेसन, इसको बनस्पति घी या देसी घी में हल्की आँच पर भूनते रहेंगे। ठीक है, इनके हल्की बाहे थे मिक्स करें भुनंदास में। इसको आपने 5 मिनट तक हल्की आंच पे भूनते रहना। इससे क्या होता है कि सूजी का और बेसन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बेसन की। साइड से उतारते रहें ताकि जले ना। अब इसको हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। गुठली नहीं बननी चाहिए, छान के आपने डालना है तो इससे गुठली नहीं बनती, ठीक है। बेसन को हमेशा छान के यूज़ किया करें। फैलाते रहें और ये खुद ब खुद पकता रहेगा, नीचे से घुमाते रहें। स्पून चेंज कर लेते हैं, मुझे बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसको 5 मिनट तक आपने भूनना है हल्की आंच पे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेसन जले ना, नीचे से काला ना पड़े, ठीक है। इस तरह प्रेस करें, ये देखें 5 मिनट तक इसको भूनते रहेंगे हल्की आंच पे। 1 कप, मतलब 1 कप मैंने मेजरमेंट वाला लिया, छोटे कप्स जो होते हैं ना चाय के वो आपने नहीं लेना, थोड़ा बड़े साइज़ के, जो या तो प्याली जो होती है कस्टर्ड खाते हैं जिसमें मीठा खाते हैं, इस तरह की फ्रूट कस्टर्ड की प्याली होती है वो वाली आप ले लें, घर में जो कटोरी होती है वो ले लें। लेकिन क्या है कि हम वज़न लेना है, जितना बेसन है जितनी सूजी है। अगर 1.5 कप बेसन ले रहे हैं, 1.5 कप सूजी ले रहे हैं तो 1.25 कप घी लेना है, ठीक है। अगर 2 कप बेसन है, 2 कप सूजी है तो 1 कप घी लेना है, इस तरह आपने करना है। यहाँ पे हमने 1 प्याली सूजी ली, आधा प्याली यानी बड़ी प्याली थोड़ी होनी चाहिए, कप से
कप के साइज बिल्कुल छोटा था, मेजरमेंट कप मैंने बताया, या एक प्याली सूजी ले लें, या ऐसे भी कर सकते हैं एक पाव सूजी एक पाव बेसन, ठीक है, आधा पाव घी, इस तरह भी कर सकते हैं। इसको आपने भूनना है हल्की आंच पे, खुशबू आने लगेगी अभी इसमें से, बेसन की खुशबू आ रही है, ठीक है। जब बेसन भुन जाता है तो उसकी एक अजीब सी खुशबू आने लगती है, जब तक आपने इसको भूनना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनते रहेंगे। और मुखंडी हलवा बनता है, मुखंडी हलवा भी इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। गाजर का हलवा, गाजर अभी अच्छी नहीं आ रही तो गाजर का हलवा अभी स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह दिसंबर में ही बनाएंगे क्योंकि नवंबर अभी आने वाला है, तो दिसंबर में गाजरें बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो गाजर का हलवा दो किस्म का बनता है, गाजर की खीर बनती है, ठीक है, और उसके अलावा लौकी का हलवा है, अखरोट का हलवा है, इंजीर का हलवा, ये सब इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा, पंजीरी है, और डिफरेंट किस्म के हलवे हैं जो सीज़न वाइज हम खाते हैं, घर में आप बना के रखें। कुछ ऐसे हलवे होते हैं तो ड्राई हलवे होते हैं, वो आप बना के काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता सर्दी में, वो इस तरह के भी बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए अच्छी तरह अब मैं इसको भून रहा हूँ, चंगी तरह इनके भुनंदा से, ठीक है। देसी घी हुजे तो वधीक सुठो, अगर ना है तो बनस्पति ऑयल से गट कड़ी भी हलवो ना ठाईंदा कि सुठो ना ठंदो, ठीक है। घी जो इस्तेमाल करना कि घी में खुशबू इंदी हलवे में, इसको फैलाते जाएं, इससे क्या होगा नीचे हीट लगती रहेगी तो वो पकता रहेगा, कच्चापन इसका ख़त्म होता रहेगा। फिर फैला के फिर इस तरह पलटाएं, फिर फैला के फिर इस तरह पलटाएं, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए इस तरह इलायची की भी इसमें खुशबू अच्छी आ रही है, ठीक है। अभी एक मिनट बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, दो, ये दो कप है तो इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे, एक कप मैदा और सॉरी एक कप सूजी एक कप बेसन एक कप चीनी, अगर एक प्याली सूजी है तो एक प्याली चीनी एक प्याली बेसन एक प्याली सूजी, ठीक है। इन तरीके से समझो, एक कप आए सूजी था एक कप बेसन एक कप खंड, एक प्याली सूजी आया था एक प्याली बेसन एक प्याली खंड, डेढ़ कप सूजी आया था ये डबल का जो, अगर एक पा सूजी आए एक पा खंड खणंदो एक पा बेसन खणंदो, इन तरीके से तुम बैलेंस सुठो थींदो, ठीक है, न तो पो मीठे में फर्क अची वेंदो। अच्छी तरह अभी इसमें हम चीनी डालेंगे, पलटते जाएं, जलना नहीं चाहिए। कद्दू को चेक करते हैं, 20 मिनट के लिए इसको रखा था, तकरीबन 6-7 मिनट हो गए, एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चलाएंगे 20 मिनट में तैयार होगा। फिर इसका हमने पानी ड्राई करना है, ठीक है, इसका जो शोरबा बना है ये हमने ड्राई करना है, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है, हरा धनिया डाल के बहुत मज़े का लगता है, चावल के साथ खाएँ इसको आप, चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत मज़े के डिफरेंट तरीके के कद्दू बनेंगे। अब बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगी, अब हम इसमें क्या डालेंगे, एक कप चीनी, यानी जितना बेसन था जितनी सूजी थी उतनी चीनी ली है, चीनी डाल के हल्की आंच पे इसको भूनेंगे, ठीक है। जेतरी सूजी जेतरो बेसन इतनी ही खंड है, बिल्कुल ज़बरदस्त जो मिठो बैलेंस रहा दो, ना घट हों ना वध हों। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी जब तक हमने चीनी को भूनते रहना है, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे एक पाव दूध, ठीक है, पानी नहीं चाहिएगा, दूध से ही इसमें फ्लेवर आएगा, पानी से फ्लेवर नहीं आएगा इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे एक पाव दूध, इसको अच्छा सा फैलाते रहें, पलटाते रहें, फिर ऊपर से प्रेस करते रहें ताकि चीनी जले भी ना और चीनी इसके अंदर हल हो जाए। अच्छा से इसको घुमाएं, ठीक है, चीनी भी उतनी डाली है जितनी हमने बेसन और जितना हमने सूजी ली थी। ये ना हो कि आपने दो कप बेसन सूजी डाला था दो कप चीनी डाल दें, बहुत ओवर मीठा हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको पकने देते हैं, दो मिनट के बाद फिर पलटाएंगे। लौकी हमारी तैयार हो रही है, कद्दू की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। कद्दू के लिए क्या लेना है, 3 पाव जितना कद्दू लिया था, 1 किलो भी ले सकते हैं, बड़े क्यूब्स छील के काट लें। उसके बाद आपने
ऑयल गरम करना है 6 खाने के चम्मच, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके डालना है। प्याज की खुशबू आने लगेगी, लाइट सा गोल्डन कलर होगा, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, हल्का सा भूनेंगे, खुशबू आएगी। फिर हमने इसमें 2 अदर टमाटर का पेस्ट डाल देना है। टमाटर का पेस्ट डाल के आपने उसको हल्की आंच पे भूनना है। उसके बाद तंदूरी मसाला साशे में मिलता है मार्केट में या डब्बे वाला है आपके पास, उसमें 3 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो उसके बगैर भी जाएगा, वो डाल के भूने मसाला, ऑयल उपाने लगेगा। फिर कद्दू निकाल दें, कद्दू डाल दें, कद्दू डाल के भूने, फिर उसमें आपने 1/4 कप पानी डाल के मिक्स करके दम पे रख देना है 20 मिनट के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक करने का पहली टाइम सामू जो रेसिपी टाइप है तमाम मज़ेदार इतने लोकी जो भाजी टाइप है इतने सा ठाँ पे आप सूजी या बेसन जो हलवो ठीक है। उनकी रेसिपी रिपीट करें पे, कद्दू तक खड़ो 3 पा या 1 किलो जो बड़ा वा कतला क्यूब्स कर छो, ऑयल गर्म कौ 6 खंड जो चमचा, उनमें 1 घंट बसर जो ऑमलेट वगैरह चॉप कर विझो, बसर गुलाबी थे लगन, उनमें अदरक तुम्हें पेस्ट विझो 1 खंड जो चमचो, अदरक तुम्हें पेस्ट जो खुशबू अच्छी लगती उनमें विझो, टमाटर जो पेस्ट 2 अदर टमाटर जो पेस्ट विझी उनके भुनो, वो तंदूरी मसालो मार्केट में मिलो वो वी वो 3 खंड जो चमचा तंदूरी मसालो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च नहीं तो सिर्फ तंदूरी मसालो विझी मसाले के भुनो, लूण विझण की जरूरत ना छो कि मसाले में लूण हों ठीक है। उनके भुनो, भुनने का कद्दू कटियल वो विझी छो ठीक है, लौकी या कद्दू वो विझी उनके मिक्स कौ 4-5 मिनट भुनने का 1/2 कप पानी विझी कवर कर उनके पचन दिंदो 20 मिनट तक, कद्दू तुम गरी वो उनके चेक कजो, सावा दाणा विझी पानी जो खुश्क थी वे तो उनके कटी वो। यहाँ पे हमने चीनी को भूनते रहे 5 मिनट तकरीबन हो गए ठीक है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, ये मेरे पास 1 पाव दूध है, 1 पाव दूध है, कच्चा दूध नहीं होना चाहिए, पका हुआ दूध हो या डब्बे वाला लेना ठीक है। 1 पाव खीर हो, कच्चो ना हो जाए, डब्बे वालों खीर हो जाए या कड़ियल खीर हो जाए, यानी कि विझी इनके मिक्स करना ठीक है। अभी ये लिक्विड बना है, फिर ये जब घी छोड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। देखें अभी ये खुद ब खुद घी अलग होना शुरू हो जाएगा ठीक है। दूध डाला, दूध डाल के इसको थोड़ा फैलाएं, फिर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल 4 खाने के चम्मच, पिसा हुआ नारियल डूंगी 4 खंड जो चमचा विझी छंदासी, वरी इनके मिक्स करनासी अच्छी तरह, इसको मिक्स करें और इसको 3-4 मिनट तक भूनना है ठीक है, जब तक बिल्कुल घी अलग होने लगे। बहुत मज़े का ये हलवा बनेगा, ये देखें खुद ब खुद जगह छोड़ना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है इसमें शाइनिंग आना शुरू हो गई और घी अलग हो रहा है ठीक है। ये देखें इस तरह फैलाते जाएं, फिर इसको पलटाते जाएं। अब यहाँ पे हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, 1 खाने का चम्मच घी आखिर में जाएगा, 1 खाने का चम्मच घी आखिर में फैला के डालेंगे ठीक है, साइड्स में 1 खंड जो चमचो घी आखिर में जो मथा विझंदासीं, वरी इनके मिक्स कंदो। बनस्पति घी या देसी घी विझो, देसी घी का डाढ़ो ज़बरदस्त ठंडो ठीक है। देसी घी है, सर्दियों में यूज़ होता है तो अगर है तो ठीक है, वरना बनस्पति घी, खुला घी यूज़ ना किया करें, ब्रांड का घी लिया करें, कंपनी का अच्छा रहता है, उसमें खुशबू भी होती है ठीक है। अच्छा सा हमारा हलवा तैयार हो रहा है, शाइनिंग आना शुरू हो गई है इसमें ठीक है, ये हलवा सारे तैयार थे पे। अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे, किशमिश है मेरे पास 3 से 4 खाने के चम्मच किशमिश है ठीक है, 3 से 4 खाने के चम्मच किशमिश है। किशमिश को पानी में भिगो के रखें, फिर नचोड़ के इसके अंदर डाल दें। ठीक है, किशमिश के पानी में पिसाए रख जो, उनका वो निपूड़े इनके अंदर किशमिश मिलाई छो। देखें अब इसने जगह छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया हलवा, अपनी जगह छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा, ये निशानी होती है हलवा तैयार होने की। बस सूजी को जब हम भूनते हैं बेसन को, बेसन का कच्चापन हमने ख़त्म करना होता है ठीक है, सूजी को बेसन को जब भूनते हैं तो उसका कच्चापन ख़त्म करना होता है। इस तरह आप हिलाते जाएं और
यूँ पलटते जाएं, इसको पलटते जाएं, फैलाते जाएं, ये और अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, चीज़ें हटा देता हूँ। केवड़ा वाटर अभी रह गया, अब हम इसमें केवड़ा वाटर आखिर में डालेंगे डिश आउट करते हुए, एक चाय का चम्मच केवड़ा वाटर, ठीक है, आखिर में जब बिल्कुल निकालते वक्त इसमें केवड़ा वाटर डाला, केवड़ा भी दो एक चाय जो चमचो, आखिर में जड़े था इनके कड़न वारा हूँ विझी चंगी तरह मिक्स कर दो। दूध के साथ भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने लास्ट में डाला ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। फिर इस तरह फैलाएं, फिर इसको पलटाएं, फिर फैलाएं, इस तरह करते जाएं, हल्की आंच पे ही बन रहा है, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। ये हटा देते हैं और फिर हलवे को हम डिश आउट करते हैं। हलवा समझो तैयार थी हुआ, लेटर जिसमें निकालते हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये हमारा हलवा हो गया तैयार, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े का सूजी और बेसन का हलवा, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सूजी और बेसन अच्छी सी भुनाई हो जाए, बेसन का कच्चापन इसके अंदर आपको जायका ना आए, ठीक है। सूजी का कच्चापन आपको फील ना हो और बेसन का खासकर कच्चापन, एक स्मेल होती है वो हमने ख़त्म करनी होती है भून के। अब क्या करेंगे, चॉप किया हुआ बादाम इसके ऊपर डालेंगे, हाँ बादाम कटियल हिंज मथा भी जिंदा, पिस्ता है, बादाम है, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हलवा हो गया तैयार। हलवे की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ फिर हम जब तक लौकी निकालेंगे। एक कप आपने लेना है बेसन, या एक प्याली बेसन एक प्याली सूजी, ठीक है, मिक्स करके रख दें। बेसन को छान लीजिएगा, उसके बाद घी गरम करना है, बनस्पति घी या देसी घी गरम करके इसमें 6 अदद इलायची तोड़ के डाल दें, खुशबू आने लगी। हल्की आंच पे सूजी और बेसन डाल के हल्की आंच पे भूनते रहें 5 मिनट तक, जब खुशबू आने लगी बेसन का कच्चापन ख़त्म होने लगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट के बाद उसमें चीनी मिला देनी है, जितनी बेसन था उतनी चीनी मिलानी है, एक प्याली जितनी, ठीक है। बेसन सूजी और आपने एक प्याली चीनी मिलानी, तीनों चीज़ें एक एक प्याली लेनी है, मिला के हल्की आँच पर भूनते रहें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें दूध डालना है एक पाव, दूध डाल के अच्छी तरह मिक्स करते रहें, भूनते रहें, मिक्स करते रहें। उसके बाद आपने इसमें केवड़ा वाटर डाल देना है एक चाय का चम्मच, फिर भूनते रहें 5 मिनट के बाद आपने इसमें पिसा हुआ नारियल फैला के हलवे को डालना है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर किशमिश डालनी है 4 खाने के चम्मच जितनी पानी में भिगो के नचोड़ के, फिर इसको भूनते रहें, आखिर में 1 खाने का चम्मच बनस्पति घी या देसी घी फिर डालना है, फिर उसको भून भून के आपने उतार देना ऊपर से पिस्ता बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट हो, मेरे पास बादाम था तो मैंने बादाम इसमें डाल दिया। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। सूजी बेसन हलवे रेसिपी रिपीट कराएं पे, 1 प्याली सूजी, 1 प्याली बेसन, 1 प्याली खंड हुई, अद्ध कप बनस्पति घी या देसी घी, जो सचो घी होंगे घर वालों वो खड़ी सको था, घी गरम कर दो, उनमें नंडा फोटा 6 अदद विझन दो, खुशबू अचण लगे पर उनमें सूजी है बेसन भी छो, मिक्स कर जो हल्की बाहे ते पचाए जो जी खुशबू अचण लगे 5 मिनट का वो सड़े ना, उनमें तक खंड विझन दो 1 प्याली से, खंड विझी हल्की बाहे ते भुनंदा रहो पचंदी रही सड़े ना, बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। 1 पाव में खीर विझन दो, खीर विझी वरी इनके पचाए जो 4 मिनट, उनका केवड़ा वाटर विझी जो 1 चाय जो चमचो वो विझी पचाईंदा रहो, उनका उनमें डूंगी पीठल 4 खंड जा चमचा विझन दो, वरी मिक्स कंदी पचाईंदा रहो, वो किशमिश 4 खंड जा चमचा पानी में निपोड़े चंगी तरह रखो, उनके निपोड़े विझी छो, वो पचाए जो चंगी तरह, वरी आखिर में 1 चमचो घी बनस्पति या देसी घी जो सचो घी है वो विझी उनके मिक्स कंदो चंगी तरह भुने, इनके कढ़ी वट जो बादाम इनके अंदर डिश आउट करी वट जो कढ़ी, ठीक है। मथा का पाने कद्दू के चेक कहीं था, कद्दू जो हमने बनाए थे तंदूरी, इसको चेक करते हैं छुरी की नोक से, ये गल गया है बिल्कुल कद्दू हमारा। अब हम इसका चूल्हा तेज़ करके और इसको हल्का सा ड्राई करेंगे, ठीक है। इसका जो शोरबा सा बन रहा है ये ख़त्म करना है। बहुत मज़े की रेसिपी है तंदूरी कद्दू, आपको डिफरेंट सी रेसिपी लगेगी आप खाएंगे, वरना हमेशा कद्दू हम बनाते हैं, बहुत से लोग शौक से नहीं खाते, इस तरह आप बनाएं वेजिटेरियन फैमिलीज के लिए भी मज़ेदार ये रेसिपी है तंदूरी कद्दू, ठीक है। इसका जब ऑयल ऊपर आने लगेगा, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसका पानी क्या है, टमाटरों का पानी और 1/4 कप इसमें हमने पानी डाला था और कद्दू ने अपना भी पानी छोड़ा होगा, बस इसको 2-3 मिनट पका के फिर इसको डिश आउट कर देंगे, जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा हरा धनिया डाल के, फिर आप इसको राइस के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर फ़िश की 2 रेसिपीज़ हैं, ठीक है, वो मज़ेदार बनाएंगे। और फिर अब ये
नेक्स्ट वीक के बाद जो वीक शुरू होगा फिर इसमें हम सूप्स पे आ जाएंगे। एक पूरा वीक सूप का करूँगा। नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें हम सूप्स रखेंगे, ठीक है। सूप्स से क्या होगा कि आप लोग को जो जो रिक्वायरमेंट है सूप की वो कंप्लीट हो जाएंगी। सर्दियाँ भी आ रही हैं, यखनियाँ हैं, सूप्स हैं, तो वो सब आपको बनाना सिखाऊँगा। बस इसका पानी ड्राई हो जाए थोड़ा, ये और ड्राई होना है चाहिए, बिल्कुल शोरबे वाला नहीं होगा, ठीक है। जब बिल्कुल आप देखेंगे इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा, बबल्स बन जाएंगे, तो फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो ऑयल मथे चेपे जदिन जो खुशबू अचण लगंदी तांके दाढ़ी सुठी इंज अंदर। बस इन जो चूल्हो बन के छंदासी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तंदूरी कद्दू, ईजी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी है। जो लोग कद्दू नहीं खाते, लौकी नहीं खाते, आप इस तरह बना के खा सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर चॉप किया हुआ। हरी मिर्चें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, ठीक है। ये असांजी रेसिपी कंप्लीट थी भाई। और अब इसको रखते हैं टेबल पे, ठीक है। नेक्स्ट वीक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। नेक्स्ट वीक भी हमारी सर्दियों के हिसाब से ही खाने हैं, सर्दियों के हिसाब से ही रेसिपीज़ बनेंगी। ये हमारी हो गई लौकी तैयार, ठीक है। ये रेसिपीज तमाम बेहतरीन, कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, जिसमें फ़िश की दो वैरायटी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। सुभाणे रिपीट हलंदो 12 वगे कुकिंग विद शेफ समझो पेज होते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कियो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो। ऐं इंशाल्लाह मथे हफ़्ते वरी मुलाकात थींदी नई रेसिपी सां गॾु। पंहिंजो कोर्स सारो ख़्यालु रखिजो। दुआ में याद रखिजो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।